पेट्रोल फिर 50 रुपए महंगा। पाकिस्तान होने जा रहा है, जो खबरें हैं पाकिस्तान अपनी मईशियत की बदतरीन हालत पर है। मैं देखा करता था एक वक्त में जो गदागर होते थे कम थे, मुल्तान जैसा शहर मशहूर है गर्द गर्मा गदा और गोरिस्तान के लिए, गर्द भी बड़ी गदा इस मईशियत में हद से ज़्यादा हो गए। लोग छीन रहे, लोग सड़कों पे नोच रहे, लोग नौकरियों के लिए बैक कर रहे हैं, और उधर से जो करंट सरकार है वो सेलिब्रेट कर रही है आईएमएफ से कर्जे की किस्त को। अगर गरीब के जनाजों पर ये कर्ज़ा लिया जा रहा है तो मुझे खुद बताएं मुल्क की बदहाली इससे मज़ीद क्या होगी। वो कह रहे हैं जी मुल्क हमें बड़ी डीस्टेबलाइज हालत में मिला था। मुल्क कतन डीस्टेबलाइज हालत में नहीं था, डीस्टेबलाइज कर दिया गया। व्हेन यू वर गेटिंग व्हाट यू वांटेड उस खारजा पॉलिसी के तहत जो भारत की है, हमने अपनी डिग्निटी अपनी साख को लूज कर दिया। हमने बताया कि हम बिकी हुई कौम है, हम बिकी हुई नेशन है, और हमने साबित कर दिया। अगर उस टाइम स्टैंड आउट हो जाता, रशिया से पेट्रोल आ जाता, रशिया से गैस आ जाती, तो शायद ये हालात ना होते। आज भी लोग पाकिस्तान में मरते गरीब को पॉलिटिकली देख रहे हैं, वो उस डायनामिक्स को नहीं देख रहे कि वाई इंडिया, वाई यूएई एंड ऑल दैट स्टेट्स वो सबके साथ क्यों चलती हैं। वहाँ किसी एक सुपर पावर की धौंस ज़बरदस्ती या ज़्यादती क्यों नहीं है। और अगर आपने अपनी मईशियत की स्टेबिलिटी गरीब का पेट चाक कर ही करनी थी तो फिर चलने देते जैसे चल रहा था, या फिर किसी और नाअहल को ले आते। हमें ये बात सोचनी होगी कि हमारे यहाँ 6 डिज़ास्टर आ रहे हैं। क्या डिज़ास्टर हैं? आबादी का डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। नो बॉडीज़ अंडरस्टैंडिंग। आज भी मेरे पास जो गरीब आता है, घर खाने को पैसे नहीं होती, बीवी की 6 बच्चे होते हैं, 7वें के लिए उसका पेट निकला होता है। दूसरा जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है, करप्शन डिज़ास्टर। जितनी गुर्बत बढ़ेगी गरीब मरेगा, वो करप्शन करेगा, 2 नंबरी करेगा, उसे जहाँ से पैसा नज़र आएगा वो नोचेगा। इवन आपका ये चीज़ इतनी बढ़ती जाएगी कि इदारों से निकल कर, और पाकिस्तान के किस इदारे में करप्शन नहीं है, किस लेवल की करप्शन नहीं है, और ये करप्शन का अब अरूज क्या है महंगाई के बाद, डॉलर की इन्फ्लेशन के बाद, आप देख सकते हैं। तीसरा बड़ा जिन स्ट्रीट क्राइम्स, कराची में और पाकिस्तान के हर शहर में चोर उचक्के डकैत पैदा हो रहे हैं। रीज़न अगेन गुर्बत। अब एक बंदा यहाँ अपने बच्चे को अगर रोता देखेगा, भूख से बिलबिलाता देखेगा, या तो वो डाका मारेगा, या वो करप्शन करेगा, या फिर वो उसको दरिया में फेंक देगा। ये बहुत बड़ा जिन है। चौथा बड़ा जिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का जिन। आमिर लियाकत समेत बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां किसी की भी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है, सोशल मीडिया को ट्रिगर कर लिया जाता है, सोशल मीडिया बाउंस्ड। और बड़े अफसोस के साथ कि ये मीडिया सेल्स चलाने में हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज शदीद एक्टिव हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद सारे फैसले सोशल मीडिया पर होंगे। तो और पाकिस्तान में सोशल मीडिया का, पाकिस्तान का पे कंट्रोल कितना है कि एक भी बड़े सोशल मीडिया का हाउस ऑफिशियली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इंडिया में है। पाकिस्तान में कोई सोशल हब्स मौजूद नहीं है। एक वक्त था जब BBC और CNN कंट्रोल किया करते थे पूरी दुनिया को अपनी फिलॉसफी के ज़रिए। आज वही सब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट और इन सब के पास है। उसकी रीज़न बहुत बड़ी ये है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पर सारी मेंटल डायनामिक्स शिफ्ट कर दी, थॉट प्रोसेस VN के वहाँ शिफ्ट कर दिए, और कंट्रोल हमारा है नहीं। आज आप बात तो करें, आपको जो आपके हक की बात है फौरन आप पे दहशतगर्दी के लेबल लग जाएंगे। आपका जो इंडिया और पाकिस्तान का प्राइमरी कन्फ्लिक्ट जिस रियासत पर है उसकी बात की जाए तो आप पे बैन लग जाते हैं। पांचवा बड़ा डिज़ास्टर बदतमीज़ी का डिज़ास्टर, जहालत का डिज़ास्टर। हम लोग जाहिल और बदतमीज़ माशरे में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कई लोग फजूल कमेंट कर रहे होंगे, गंदी गालियाँ लिख रहे होंगे, कुछ शर्म हया भी नहीं आती।
उनको उन वो बगैरती की इस हद तक जा चुके हैं कि उनको शर्म हया भी नहीं आती। वो इवन इस्लामिक पोस्टों के नीचे वो लोग बकवास लिख रहे होते हैं, वो लोग इवन मुकद्दस चीज़ों के ऊपर भी बाज नहीं आ रहे होते। उन लोगों ने कुछ नहीं बख्शा हुआ और उनका ताल्लुक किसी और जगह से नहीं है, इसी माशरे से है। वो जाहिल हैं, बदकुमाश हैं, बदतमीज़ हैं, और हमने ऐसा माशरा बहुतात में पैदा कर दिया। इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, हमने जाहिल पैदा किए। क्यों? तालीम नहीं है। लोगों को टिकटॉक इस्तेमाल करना आ गया है, हर किसी ने मोबाइल फ़ौरन ले लेना है, चाहे उसके बच्चे को ए बी सी डी भी ना आती हो, चाहे वो इस्लाम की तालीमात से कभी मदरसे में ही ना गया हो, नमाज पढ़नी उसने शुरू नहीं की होती, पहला कलमा उसको भी याद नहीं होता, टिकटॉक बना रहा होता है। ठीक है, तो ये पांचवा बड़ा डिज़ास्टर है जिससे हम लड़ रहे हैं। और छठा बड़ा डिज़ास्टर जिससे हम लड़ रहे हैं वो है फ़िरकावारियत, सूबाइयत और मजहबी तफरीक। सारे का सहारा शहरी मुसलमान हुआ फिरता है और बाकी सब उनकी नज़र में कुछ भी नहीं। इसी तरह हम लोगों ने मुनाफराना इतना ज़्यादा मुनाफरत भर दी है सूबे के नाम पे, ज़बान के नाम पर, ज़ात पात के नाम पर, हम बढ़ते से बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग डिवीजंस कर रहे हैं अपनी, ये मुनाफरत में आता है, ये फ़िरकावारियत में आता है। हम लोग छोटे 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 सेक्शंस में डिवाइड हो गए। आपने वो देखे थे, दो बैल यूनाइटेड थे तो शेर हमला करता था, कुछ नहीं होता था, फिर बैल आपस में लड़ पड़े, शेर एक को खा गया फिर दूसरे को खा गया। तो वो शेर अमेरिका है और वो बैल हम। हम लोगों ने अपनी मौशियत बर्बाद कर दी, अपने बच्चे बर्बाद कर दिए, अपनी नस्लें बर्बाद कर दी, सब बर्बाद कर दिया। हम कहीं अपने कौम के साथ नहीं खड़े हुए। डॉलर आज 212, पेट्रोल 300 का होने जा रहा है, मईशत बर्बाद, डीजल पता नहीं कितने का होगा, गरीब को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भूखा मर जाएगा। हम में से किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है कि ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। आज कर्ज़ा मिल गया, अगले कर्ज़े के लिए क्या करोगे? आज पेट नोचे हैं, कल को खाल नोच लोगे? डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।